दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है और आपको पता है स्टॉक मार्केट में र्यूमर किस तरीके से वर्क करते हैं। और इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपने देखा होगा कि जब से एनडीए की सरकार बनी है एक ही क्वेश्चन मार्क है ऑपोजिशन पार्टी का, और ऑपोजिशन पार्टी ये कह रही है कि सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, जो कि ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि जब सरकार बनी नहीं थी तो ना टीडीपी ने और ना जेडीयू ने कोई कम डिमांड करी थी। टीडीपी भी बहुत सारे मंत्रालय चाहती थी, जेडीयू भी बहुत सारे मंत्रालय चाहती थी, लेकिन आपने देखा होगा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एनडीए गवर्नमेंट जो टॉप पर्टिकुलर देखिएगा मिनिस्ट्रीज हैं वो एज इट इज़ हैं, यानी कि उनमें कोई चेंजेस नहीं आया। टीडीपी जेडीयू के ऐसे कोई मंत्रालय नहीं दिए गए जिस तरीके की डिमांड पहले से बताई जा रही थी। लेकिन अब एक बहुत बड़ा पेज आ चुका है जो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड पे जाके, और अगर इसमें थोड़ा सा भी र्यूमर आगे बढ़ता है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी बात है कि मोदी गवर्नमेंट से देखिएगा मंत्रालय ना मिलने के बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनके अलाई हैं जो जिन्हें टीडीपी चंद्रबाबू नायडू आपको पता है, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने 12 बिलियन डॉलर का हैंडआउट मांगा है। तो आप समझ सकते हैं कि पैसे की, ये नहीं कि स्पेशल स्टेटस दीजिए, स्पेशल स्टेटस से भी ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करिए, हेल्प प्रोवाइड करिए, एड प्रोवाइड करिए, ताकि हम अपने पर्टिकुलर स्टेट का विकास कर सकें। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको पता है कि मोदी जी ये कभी मना नहीं करेंगे, चूंकि उनको पता है कि उनकी सरकार दो केंद्र बिंदुओं पे टिकी हुई है, एक टीडीपी दूसरा जेडीयू। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो प्रोवाइड तो करेंगे, लेकिन क्या ये प्रोवाइड कर पाएंगे? जैसे पापा हैं तो आप उनसे 100 रुपये मांगोगे तो वो 10-20 रुपये दे दें, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस पर्टिकुलर 80 रुपये की कमी के कारण आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग में डिस्टर्बेंस होती है। सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे दो जो आप देख सकते हैं, तेलुगु देशम पार्टी ऑल्सो चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट मेट मोदी, मोदी से मिले हैं और डिमांड करी एक बहुत बड़े अमाउंट की, बहुत बड़े अमाउंट की, किसके लिए? आंध्र प्रदेश के विकास के लिए। अब आप समझ सकते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन अगर टीडीपी को इस तरीके का बिलियन डॉलर, चूंकि आंध्र प्रदेश कोई स्पेशल स्टेटस का स्टेट नहीं है, वो एक नॉर्मल स्टेट है, लेकिन उसको इस तरीके की फंडिंग अगर प्रोवाइड करी गई तो वो तो स्पेशल स्टेटस के स्टेट से भी ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो ऐसे में जो इनके अदर एलाइज हैं जेडीयू, वो भी शांत नहीं बैठेंगे, और आपको पता है फिर इस तरीके का यहाँ पे सिनेरियो बन जाएगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, और कुछ देखिएगा अचानक से आपको सुनने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया टुडे पे भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, नॉट स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस नहीं, चंद्रबाबू नायडू नाउ वांट्स स्पेशल पैकेज फॉर होम सेंटर, यानी कि अब वो स्पेशल स्टेटस की बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे इसको लेकर? जब हमें स्पेशल पैकेज मिल सकता है, हर सरकार को क्या चाहिए? पैसा, ताकि वो अपनी सरकार, अपनी चीफ मिनिस्ट्री जो भी देखिएगा वो पाए हैं दोबारा, उसमें क्लियरिटी के साथ ऐसे काम करें जिससे उनकी सरकार ना जाए। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की जो फाइनेंशियल पैकेज की डिमांड करी गई है, अगर इतना फाइनेंशियल पैकेज टीडीपी को दिया जाता है तो ये आने वाले दिनों में एनडीए के लिए तो बिल्कुल सही नहीं बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे एलआई भी बैठे हुए हैं जो ज़्यादा लालची हैं, जिनका नाम है जेडीयू। और आपको पता है कि बिहार में तो इलेक्शन भी हैं, तो वहाँ पे एक बड़ा फैक्टर है कि ना जाने क्या क्या डिमांड जेडीयू करने लगे टीडीपी के इस पर्टिकुलर डिमांड के मानने के बाद। तो कहीं ना कहीं कुछ अभी र्यूमर स्टॉक मार्केट में बजट से पहले या बजट के बाद आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बजट के बाद क्लैरिटी हो जाएगी कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर कितना अफोर्ड कर रही है, कितना प्रोवाइड कर रही है, किस किस सेक्टर के लिए क्या वर्क किए हैं,
स्टेट्स के लिए क्या वर्क किए हैं और कितना ज़्यादा खुश किया है TDP यानी कि आंध्र प्रदेश को और कितना ज़्यादा खुश किया है बिहार को, तो ये सारी चीज़ें मायने रखेंगी। तो बजट से पहले सरकार से रिलेटेड, NDA के LI से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है जो फेवर में नहीं है NDA गवर्नमेंट के, तो यहाँ पे आपको होता है स्टॉक मार्केट इस पर तुरंत रिएक्ट कर देगा। और ये कई बार हो चुका है पहले भी जब मिलीजुली सरकारें बनी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिएगा, थोड़ा सा फोकस करके रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो राम राम और शेयर करिएगा।